Shri Venkaiah Naidu ji, Swami Shantatmananda ji, Mrs. Nihotri, and all the participants. ये आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए कि ये एक नाइट शेल्टर कंप्लीट हुआ है और ये बन के दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड को हैंडओवर किया जा रहा है। ये और भी हर्ष का विषय है कि ये शेल्टर विवेकानंद जी के नाम पे बनाया गया है, जिन्होंने हमेशा अपनी लाइफ डेडिकेट की है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड स्प्रेडिंग द ह्यूमन वैल्यूज। सर, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ collaboration between the government and the non-government organizations, especially charitable organizations. दिल्ली में नाइट शेल्टर बनाने का काम कम से कम 2-3 साल पहले शुरू हुआ था और उस टाइम पे सिर्फ नाइट शेल्टर्स टेम्पररी ही बन रहे थे। ये 2 साल पहले था फर्स्ट टाइम की लैंड अलॉट की गई थी कि इस पे नाइट शेल्टर बनाया जाए। इसी दौरान विवेकानंद शेल्टर आरके मिशन के हम संपर्क में आए थे और ये डिसाइड किया गया था कि दोनों को कोलैबोरेट करके ये चीज बनानी चाहिए। जनरली इशू होता है कि गवर्नमेंट में लैंड अलॉटमेंट की बात आती है, लैंड अलॉटमेंट करने में काफी समस्याएं होती हैं, अलॉटमेंट लेटर इशू होता है, उसमें काफी लंबा प्रोसेस होता है, पेमेंट्स के इशू रहते हैं काफी। हमने आपस में एग्री किया कि लैंड अलॉटमेंट की हम बात ही नहीं करते, लैंड गवर्नमेंट की रहेगी और आप उस पर शेल्टर बनाइए और उसको आप वापस गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दीजिए, उसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। तो इस मॉडल पे हम चले और इन्होंने 8 या 9 महीने में ये शेल्टर कंप्लीट कर दिया है। दिस इज ए वेरी रिमार्केबल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। This is such a wonderful design. Sir, we have decided to adopt this design for all of our rest of the shelters. Delhi master plan mein ye identify kiya gaya hai ki Delhi mein 25 naye shelter banaye jayenge jiski land identify DDA ne process shuru kar diya hai, 7-8 already identify hue hain. To is model ko hum sab naye shelter mein adopt karenge. Sir, dusra important issue iska ye hai ki नाइट शेल्टर को चलाने का कोई सिस्टम पहले नहीं था, धीरे धीरे सब इवॉल्व हो रही है एक्टिविटीज। तो नाउ मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड मेड ए प्रोग्राम कॉल्ड एनयूएलएम। एज पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम देयर इज ए स्कीम कॉल्ड एसयूएच, शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस। उसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई है कैसे किसी शेल्टर को चलाना चाहिए, किसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो हम आपस में मिल के आरके मिशन एंड दूसरे मिल के इस शेल्टर को एज ए मॉडल शेल्टर बनाएंगे एंड वी विल रन दिस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री। सो दिस विल बी मॉडल नॉट ओनली फॉर दिल्ली बट दिस विल बी ए मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये शेल्टर की जो शुरुआत है ज्ञान दिया गया है कि भी आप नाइट शेल्टर बनाइए। सबने टेम्पररी कोटा के बीच में या एग्जिस्टिंग किसी बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन नाइट शेल्टर कैसे बनाना चाहिए, उसका मॉडल क्या होना चाहिए, दिस विल बी द फर्स्ट एंड आई एम श्योर ये सब को ना एज ए मॉडल सर्व करेगा। आर के मिशन ने सर दे हैव डन ए वेरी वंडरफुल जॉब एंड वी हैव फाइंड अ वेरी कोलैबोरेटिव सिस्टम। और ये भी एक मॉडल जो गवर्नमेंट संस्था को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को और प्राइवेट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मिलना चाहिए, उसके लिए भी एक मॉडल सर्व करेगा। सर, होमलेस जो इशू है दैट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज एंड इट इज बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग टू सिटीज। दे आर नॉट फाइंडिंग स्पेसेस टू लिव, दे आर नॉट एबल टू परचेज। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, हमारी मार्केट्स है आसपास उसमें काम करते हैं, रेडी उसका काम करते हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं, लेकिन रहने के लिए नहीं जगह है।
तो इन लोगों के लिए लार्ज स्केल पे हमारे शहरों में ये चीज बनानी पड़ेगी और ये समय आ गया है कि हम इसको अच्छी तरह से ध्यान दें और इसमें सब अपनी एनर्जी लगाएं। आज ये बड़े हर्ष की बात है कि ये काम शुरू हो रहा है। मैं दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ डेंसिटी और दिल्ली की तरफ से आज के मिशन को धन्यवाद देता हूँ, अपनी खुशी जाहिर करता हूँ। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर को भी सर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम gives us an encouragement to work in this area and his recognition that this is an important activity gives us an encouragement and we will work very hard and dedicate ourselves to this cause. Thank you very much.